दोस्तों, आज का विशाल धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित किया गया है, जो महानिदेशालय लखनऊ के लिए हम सब लोग कूच कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बुलाई गए ये विशाल धरने में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ में लाखों लोग जुड़ना एक होना इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। और लखनऊ की सड़कों पर आज प्राथमिक शिक्षक संघ के ताकत दिखाई दे रही है। ये 21 सूत्री मांगों के साथ में, जो हमारी प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है, उसी के लिए ये धरना आयोजित किया गया है। हमारी सरकार से मांग है, जब एक विधायक, सांसद और अन्य लोग पुरानी पेंशन पाकर खुश हैं, तो हमारे ऊपर ये नई पेंशन स्कीम क्यों थोपी जा रही है? अगर ये नई पेंशन स्कीम हम नहीं चाहते हैं, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमें पुरानी पेंशन स्कीम पर ही पुरानी पेंशन स्कीम ही दें। तो दोस्तों, अभी तालग्राम ब्लॉक और कन्नौज जिले के द्वारा कई सारी गाड़ियाँ, कई सारी बसें लखनऊ के लिए कूच कर चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि बस में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इतनी भीड़, इतने शिक्षक लखनऊ की तैयारी करके निकले हुए हैं। और सरकार को जगाएंगे, और सरकार से हमारी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन ही दी जाए, पुरानी पेंशन स्कीम के सिवा, और हम कुछ नया नहीं लेने वाले हैं। तो दोस्तों, लखनऊ में आपको दिखाते हैं कि कितनी भीड़, धीरे धीरे, जैसा मैंने आपसे कहा कि कितने शिक्षक आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा लखनऊ शिक्षकों से भर गया है। क्या शिक्षक, शिक्षिकाएं दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी व्यथा को समझें और हमें पुरानी पेंशन दें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, उदय नारायण सिंह यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शपथ लेता हूँ कि 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक, यदि बेसिक शिक्षकों के 21 सूत्रीय मांग पत्र की मांगों का और माध्यमिक शिक्षक जब वो बगल में हाथ लगाए खड़े हैं, इनको शपथ में बोल रही है, भागो है क्या, भागो मास्टर हो क्या हो, ठीक। और माध्यमिक शिक्षकों के 18 सूत्रीय मांग पत्र का, यदि निराकरण नहीं होता है तो मैं 1 जनवरी 2024 से सरकार से संबंधित सभी भाषण ग्रुप, जितने सोशल मीडिया है, सबसे अपने आप को अलग कर लूंगा।